तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर्स के बारे में एंड किस टाइप से पेपर पैटर्न पूछा गया था लास्ट ईयर के पेपर में वो भी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स में इस लिंक को शेयर कर दे का सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कॉलेज का नाम और अपना नाम ऐड कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से इस सेशन को देख रहे हैं कौन से कॉलेज से आप हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल एफ की बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स है और क्या क्या चीजें के आपको पढ़नी है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए सारी चीजें लिख के रखें ताकि ओवरऑल एक आपको आइडिया आ जाएगा कि, कि किस तरीके से पेपर में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से कौन से चैप्टर्स है देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका फाइनल अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स इज द टॉपिक नंबर वन सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो टॉपिक नंबर सेकेंड जो है वो है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो दैट इज योअर टॉपिक नंबर सेकेंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थर्ड जो टॉपिक है बाय बैक है आपका इक्विटी शेयर्स का फिर टॉपिक नंबर फोर्थ जो है दैट इज योअर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन सा टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो काफी सिंपल टॉपिक्स है आपके लिए सिलेबस में एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स एक टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक टॉपिक है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगर हम ओवरऑल मार्किंग की बात करें तो देखो आपका जो मार्क्स है वो है हंड्रेड मार्क्स ये सभी को पता है मार्क्स हंड्रेड होने वाला है अब ये हंड्रेड मार्क्स में किस तरीके से ओवरऑल मार्क्स डिवाइडेड है सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है राइट right? वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है या ये ऑब्जेक्टिव ऑल फॉल्स भी हो सकता है तो ट्रू ऑल फॉल्स ट्रू ऑल फॉल्स या फिर एमसीक्यूस इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी uh, की तरफ से ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यहां पे हम ट्रूअल फॉल्स ही पूछेंगे यहां पे हम एमसी ही पूछेंगे इट इज नॉट बेट क्लैरिफाइड बाई द यूनिवर्सिटी तो ये आपको टेन मार्क्स दे देगा टोटल ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दस आपको सॉल्व करने हैं जो आपको सेकेंड आएगा सेकेंड मतलब ये वन ए होगा और ये आपका वन बी होगा तो हम वन बी ही लिखते वरना आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सेकेंड पार्ट तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर वन जो है बी का ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आता है ज्यादा करके ये मैच द फॉलोइंग होता है ठीक है तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एंड दिस विल आल्सो कैरी 10 मार्क्स तो ये भी आपका 10 मार्क्स होगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ए एंड बी 10 मार्क्स का अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा अभी ध्यान से देखिए हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न तो डिस्कस करेंगे और कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे गए थे उस पे क्या चीजें ऐसी चेंज हो सकती है और कौन से चैप्टर्स ऐसे है जो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं रखने हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर ले वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले जल्दी अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर ले बिकॉज आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ये वीडियो जो है तब सबक तक पहुंचेगा और सभी लोगों को इस वीडियो का जो है वो मेरे इनिशिएटिव का हेल्प हो पाएगा तो एक ही चीज आपको करना है ये सारे सेशंस आपको फ्री में मिल रहे हैं लेकिन आपको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आ सकता है अब ये फाइनल अकाउंट्स बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में रखते हैं लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एक कंसेप्ट है और एक बैलेंस शीट कंसेप्ट है ठीक है अब ध्यान से सुनना एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अलग से क्वेश्चन आता है एक तो बैलेंस शीट अलग से क्वेश्चन आता है या फिर इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आता है एंड दिस विल कैरी ट्वेंटी मार्क्स ठीक है ये फाइनल अकाउंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कोई यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकेशन नहीं दी है क्वेश्चन नंबर टू में फाइनल अकाउंट्स ही आएगा राइट right? इस फाइनल में इस कौन सा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बीस मार्क्स तो अभी बच्चे क्या करते हैं यूजुअली फाइनल अकाउंट्स ऑप्शन में के जाते हैं नाइनटी नाइन परसेंट स्टूडेंट ऑप्शन में रखते हैं और जो भी बच्चे फाइनल अकाउंट्स या इस चैप्टर की प्रिपेरेशन करते हैं वो सारे बच्चे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर को ऑप्शन में रखने का ट्राई करते हैं क्यों ऐसा क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो अगर वो पढ़ के जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा वो प्रॉब्लम एक ही होने वाला है कि फाइनल अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से सिंपल है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए फाइनल अकाउंट्स ईजी भी है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ईजी है तो ज्यादा उसमें जमलिंग नहीं करेंगे बहुत सिंपल है आपके लिए क्या ईजी है वो आप देखिए तो मेजर रीजन ये है कि इसमें

ये आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पूछा था आयर का क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अगेन दैट वाज फॉर ट्वेंटी मार्क्स इन द लास्ट ईयर पेपर तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आया था अभी यूनिवर्सिटी करता क्या है एक बीस मार्क का क्वेश्चन पूछता है उसके ऑप्शन में दो दस दस मार्क्स के क्वेश्चन डाल देगा दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन ठीक है तो दस दस मार्क्स के क्वेश्चन में क्या कर सकता है एक दस मार्क का क्वेश्चन फिर से पी एंड एल डालेगा फाइनल अकाउंट डाल सकता है क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है फाइनल अकाउंट डालने का और एक दस मार्क के क्वेश्चन में वो बायबैक का क्वेश्चन डाल सकता है तो बायबैक का क्वेश्चन भी यहां पे आ सकता है दस मार्क के लिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री फिर ये क्वेश्चन नंबर थ्री ए एंड क्वेश्चन नंबर थ्री बी तो थ्री ए एंड थ्री बी इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर अब ये क्वेश्चन नंबर फोर कैसे आएगा क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो सीधा लास्ट ईयर के पेपर में बाईबैक का क्वेश्चन आया था काफी इजी सभी बच्चों को आता है और काफी इजी आप ली, आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर फोर में बायबैक का क्वेश्चन आता है बायबैक ठीक है ये बायबैक का जो क्वेश्चन आता है दैट इज फॉर ट्वेंटी मार्क्स तो ये बायबैक का क्वेश्चन आया था ट्वेंटी मार्क्स के लिए इसके ऑप्शन में अगेन क्वेश्चन नंबर फोर ए में दस मार्क का क्वेश्चन आया था टेन मार्क्स का एंड क्वेश्चन नंबर फोर के बी में भी टेन मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था टेन मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछा था दस मार्क के लिए शेयर का क्वेश्चन डाल सकते हैं और यहाँ पे अगेन उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पूछा था जहां पे एक छोटा सा कैपिटल रिडक्शन का कंसेप्ट डाल सकते हैं तो ये ओवरऑल पेपर पैटर्न है और ये पेपर पैटर्न आपके पेपर में उन्होंने लास्ट ईयर के बेसिस पे पूछा था तो दिस दिस इज बेसिकली द पेपर पैटर्न विच वॉज आस्क इन दास्ट ईयर पेपर और इस तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही क्वेश्चन यही टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ओवरऑल वैसे तो सारे टॉपिक्स आपको ध्यान से करके जाना है बिकॉज अगर आप अभी ऑप्शन में रखेंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू देन क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आपका थियरी होता है क्या होता है क्वेश्चन नंबर फाइव थियरी होता है राइट right? तो अभी क्वेश्चन नंबर फाइव थियरी है क्वेश्चन नंबर फाइव में ए और बी आपके दस दस मार्क के क्वेश्चन आएंगे और इसके ऑप्शन में एक शॉर्ट नोट्स आएंगे शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट का वीडियो भी देखिए आप शॉर्ट नोट्स अगर बात करें हम तो ओवरऑल हमको सिक्स शॉर्ट नोट्स आएंगे और ये सिक्स शॉर्ट नोट्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ फोर सॉल्व करने हैं और इसको भी आपको ट्वेंटी मार्क्स मिलेगा तो अगर आपने ध्यान से पेपर पैटर्न देखा है तो नंबर वन ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव उसके लिए ट्वेंटी मार्क्स है और नंबर सेकेंड जो थियोरी है थियोरी के लिए भी ट्वेंटी मार्क्स है दैट मीनस ओवरऑल अगर बात करें तो फोर्टी मार्क्स जो है दिस फोर्टी मार्क्स इज ऑफ दिस ओनली ऑब्जेक्टिव प्लस थियोरी एंड स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सिक्सटी मार्क्स आप जितना भी प्रिपरेशन अभी तक कर रहे हो या आगे भी करोगे आप सिर्फ सिक्सटी मार्क्स का ही प्रिपेरेशन कर रहे हो तो सिक्सटी मार्क्स का अगर आप आप कर रहे रहे हो हो तो तो ये ये मार्क्स मार्क्स का रिस्क ले रहे। तो आपको ये 40 के ऊपर भी ध्यान देना है थियोरी कैसे पढ़ना है कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो बनाया है तो ये है ओवरऑल पेपर पैटर्न थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़िए अगर स्ट्रैटेजी बना के पढ़ेंगे तो दैट विल हेल्प यू तो आज हम क्या करेंगे आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं बेसिक से लेके तो अभी मैं आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक बेस से लेके सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा और एक थियरी भी सॉल्व करवाऊंगा तो अकॉर्डिंगली ध्यान से देखिए ओवरऑल की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान से वो सारे पॉइंट्स को नोट करिए अपने पास लिख के रखिए और इसके नोट्स बनाइए तो ध्यान से देखिए और अभी आपको स्क्रीन के सामने पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का वीडियो मिलेगा वो ध्यान से देखिए उसके नोट्स बनाइए और उतने सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ के जाइए एग्जामिनर कुछ भी पेपर में पूछे कैसे भी एडजस्टमेंट्स आए ये सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो रिपीट होते ही है तो ध्यान से देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बेसिक्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग को तो जिससे हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर वन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सेमेस्टर फाइव एंड द चैप्टर इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन So, internal reconstruction we are going to start uh, today, and we will be dealing with all the basics of internal reconstruction in this video. So, uh, do listen it properly. You can clear all your basics of internal reconstruction from this chapter, and then from the next sessions to come, we will solve practical questions step by step which are relevant to your exam, which are important from your exam point of view, so that we can get uh, good marks related to this chapter in your financial accounting. लेट स्टार्ट अबाउट टू डेज वीडियो इफ यू सी द अकाउंटेंसी ग्रुप तो अगर हम अकाउंटेंसी ग्रुप की बात करें तो हम अकाउंटेंसी ग्रुप में दो सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको इन शॉर्ट एफ के नाम से जानते हैं एफ ए इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द सेकेंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव इज कॉस्टिंग तो ये जो दो सब्जेक्ट्स है ये दो सब्जेक्ट्स आप अपने टी वाई बी कॉम फाइव सेमिस्टर फाइव में पढ़ने वाले हो और दो अकाउंट्स है जो तो आपको कंपलसरी रहेगा अगर आप अकाउंटेंसी ग्रुप लेते हैं नंबर वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज कॉल्ड एज एफ एंड नंबर सेकेंड इज कॉस्टिंग विच इज अ न्यू सब्जेक्ट टू यू नाउ सो कॉस्टिंग आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं तो अभी हम फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक मेथड है जो यूज किया जाता है और जिससे हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको रीड्राफ्ट करते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको रीफ्रेम करते हैं बिकॉज कंपनी की बैलेंस शीट एक्चुअली ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन रिवील नहीं कर रहा है द कंपनी इज़ नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू तो दैट इज़ वाई वी विल बी डूइंग वॉट वी विल बी रीड्राफ्टिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे हमारे असेट्स को अप्रिसिएट करेंगे हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स जो है उनको पे करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो मेथड है यहाँ पे बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है दैट मीन्स इट इज अ मेथड विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती जैसे अगर हम अमाल की बात करें तो अमाल में एक नया कंपनी फॉर्म होता है वेन एवर वी आर एक्वायरिंग एनी कंपनी एक नया कंपनी एक दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो उस केस में एक का बिजनेस बंद हो जाता है दूसरे का बिजनेस एग्जिस्टिंग और बड़ा हो जाता है बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक मेथड है जहां पे हम क्या करने वाले हैं कि बिजनेस को बंद किए बिना वाइंडिंग अप किए बिना रीड्राफ्ट करेंगे फॉर्मिंग अ न्यू वन या रीड्राफ्ट करेंगे हम हमारी बैलेंस शीट को और उसमें हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने वाले हैं और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते वक्त बहुत सारे प्रोविजन है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं तो ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये सेक्शन 66 में कवर होता है इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना बिकॉज ये सारी चीजें आपको ट्रुअल फॉल्स या मैच द फॉलोइंग या ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है तो वाई देर इज अ नीड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना क्यों जरूरी है वो भी हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ मेथड इन विच वी आर

मिस्टर ए जो है एक कंपनी uh, है एबीसी लिमिटेड उसका ओनर है ठीक है अब क्या प्रॉब्लम हुआ 2017 ईयर में मिस्टर ए की जो कंपनी है उसको हैवी लॉसेस हुए 2018 में भी लॉसेस कंटिन्यू हुए 2019 में भी उनको काफ़ी सारा लॉस हो गया 2020 में भी उनको काफ़ी सारा लॉस हुआ अभी ए को प्रॉब्लम प्रॉब्लमराइज हुआ ये टेंशन में आ गया ए थॉट ना वॉट टू डू इन दिस सिचुएशन ए ने सोचा अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूं अब अगर मैं लॉस ही अर्न करते रहूंगा तो अब मैं मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे पेमेंट करूंगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी उसके बारे में उसने काफी सारी चीजें सोची फिर ए ने क्या किया एक कंसल्टेंट की राय ली तो ए ने क्या किया कंसल्टेंट के पास गया कंसल्टेंट के पास गया ए की मीटिंग फिक्स हुई ए ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे कंपनी में इतने सालों में लॉस ही आ रहा है सभी में लॉस है तो ने बोला कि आई टू सी द बैलेंस शीट आई वॉन्ट टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंसल्टेंट ने जैसे ही उनकी बैलेंस शीट देखी तब कंसल्टेंट को लगा कि इनकी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन वो रिवील नहीं कर रही है तो कंसल्टेंट ने क्या किया बैलेंस शीट को देखा और बैलेंस शीट देखने के बाद बताया कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रही है आइए हम देखते हैं एग्जैक्टली कि इनकी बैलेंस शीट क्या क्या दिखा रही थी तो दिस वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए इफ यू सी वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज टेन इच ऑन द लाइबिलिटी साइड वी हैव नाइन परसेंट प्रेफरेंशर ऑफ हंड्रेड इच सिक्स लैक्स ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स एक है बैंक लोन रखा है क्रेडिटर्स है फिर लैंड एंड बिल्डिंग है फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहां देखे तो वो है गुडविल अभी हमने देखा कि इन द ईयर 2017, 18, 19, 20 नाइनटीन उनको लॉस हो रहा है तो अगर किसी कंपनी को लॉस होता होगा तो क्या उनके बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल होगा गुडविल इज वॉट गुडविल इज रेप्यूटेशन तो गुडविल अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा है तो ऐसे कंपनी को लॉस कैसे हो सकता है इसीलिए जो गुडविल है इनटैंजिबल असेट्स फिर ये जो फिक्टिशियस एसेट हमारे पास यहाँ दिख रहा है प्रलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस इज व्हाट फिक्टिशियस इज काल्पनिक एसेट तो अगर कोई हैवी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखा है मतलब क्या है कि ऐसे असेट जिसका एक्चुअली वैल्यू नहीं है लेकिन वो भी हमने हमारे असेट साइड में लिख के रखा है और बैलेंस शीट का टोटल ट्वेंटी लैक्स दोनों साइड में आ रहा है तो दैट इज वाई जो कंसल्टेंट ने कहा कि कंसल्टेंट ने यह कहा कि जो भी आपकी असेट साइड है उसमें ऐसे असेट्स है जिसका कोई एक्चुअल वर्थ नहीं है बिकॉज अगर आप सोचो कि चारों सालों में उनको लॉस होता है तो हाउ कैन दे हैव द गुडविल इन द बैलेंस शीट असेट साइड इसीलिए ये सारे जो असेट्स है उनको हमें क्या करना पड़ेगा उनको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा उनको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा उनको अगर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वही सिस्टम को हम कहेंगे कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मतलब क्या करेंगे हम कि बैलेंस शीट को हम रीड्राफ्ट करेंगे एज पर द प्रोविजन जैसे जैसे प्रोविजन है जैसे जैसे पॉइंट अराइजेस होते हैं वैसे वैसे हम हमारे असेट्स को राइट ऑफ करते जाएंगे फिर हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू यहाँ फाइव लैक्स दिख रही है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी एप्रिसिएट हुई रहेगी तो ड्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनको डेप्रिसिएट किया जाता है अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो लाइबिलिटी साइड में जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको हम कहेंगे कि आपको हम अभी पेमेंट थोड़ा कम देंगे बिकॉज कंपनी वाइंड अप जो होने वाली थी उसके लिए अभी हम रिड्राफ्ट करने वाले हैं कंपनी को तो अकॉर्डिंगली उस केस में सभी लाइबिलिटी होल्डर्स को धीरे धीरे सेटलमेंट किया जाएगा कि इतना पैसा आपको मिल सकता है वो लोग भी एग्री हो जाएंगे बिकॉज कुछ नहीं मिलने वाला है तो थोड़ा बहुत अमाउंट मिलेगा तो दैट विल बी बेटर फॉर देम तो इसीलिए हम लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करेंगे असेट्स के वैल्यू को एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट करेंगे और जो हमारे फिक्टिशियस असेट्स है उसको हम राइट ऑफ करेंगे यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी है और वो कंसल्टेंट ने परफेक्ट हमको एक ऑप्शन दिया कि एग्जैक्टली exactly कि वॉट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद द कंपनी द कंपनी इज़ नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड सिंस द कंपनी इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू हमें हमारे बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना जरूरी हो जाएगा तो यही बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ठीक है अभी नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया सबसे पहला नीड क्या है कि लाइबिलिटीज आर ओवर ड्यू काफी सारे लाइबिलिटीज हमारे लाइबिलिटी साइड में दिख रहे हैं तो लाइबिलिटीज जितनी बढ़ती जाएगी उतना बर्डन कंपनी पे बढ़ेगा तो वो हमें पेमेंट करना जरूरी है इसलिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि फाइनल अकाउंट इज नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने अभी आपके साथ बात की कि फाइनल अकाउंट जो है हमारा मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट शोइंग क्लियर पिक्चर रिलेटेड टू द कंपनी सिंस इट्स नॉट शोइंग क्लियर पिक्चर रिलेटेड टू द कंपनी देयर अराइजेस अ नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड रीजन इज टू मेनी इंटेंजिबल असेट्स आर शोन ऑन दी बैलेंस शीट असेट्स सेट इफ यू सी मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि काफ़ी सारे इंटेंजिबल असेट्स हैं काफ़ी सारे फिकटिशियस असेट्स है जो हमारे बैलेंस uh, शीट में दिख रहे हैं तो वो इनटैंजिबल अट्स को भी हमें बैलेंस शीट से रिमूव करना है तो इसके लिए भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जरूरी हो जाता है तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है लेकिन ये मेजर तीन रीजन है जो मैंने आपको बताया अभी नंबर वन लाइबिलिटीज ओवर हो गए नंबर सेकेंड फाइनल अकाउंट्स इज नॉट शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड नंबर थर्ड इज टू मेनी इंटेंजिबल अट्स एग्जिस्ट इन दी बैलेंस शीट असेट साइड लेट अस मूव फर्दर देन नाउ थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देखो दो चीजें हैं यहाँ पे एक है हमारा इंटरनल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है जो कंपनी है दैट इज नॉट लिक्विडेटेड लिक्विडेटेड का मतलब है हम किसी को कंपनी यहाँ बेचने वाले नहीं है लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो टोटली totally अलग कंसेप्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में देअर अराइजेज अ कंसेप्ट ऑफ अमालगमेशन मतलब हम एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं या देयर अराइज अ कंसेप्ट ऑफ एक्विजिशन हम किसी और का बिजनेस को एक्वायर करने वाले हैं जैसे बहुत सारे मार्केट में आपने देखा होगा तो बिग जायंट्स होते हैं वो दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर में कंपनीज थी लेकिन अभी अब अगर आप देखो तो वी हैव एयरटेल वी हैव जियो और वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए बिकॉज वो मार्केट के साथ कॉम्पीट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस को मर्ज कर दिया है तो इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल डिफरेंस क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी को हम रीड्राफ्ट uh, करते हैं उसी के बैलेंस शीट को हम रीफ्रेम करते हैं जैसे जैसे जितने असेट्स होंगे उस असेट्स को राइट ऑफ कर लेंगे जो असेट्स एक्चुअली असेट्स नहीं है फिर भी हमारे असेट साइड में हमने लिखे थे दैट वाज फिक्टिशियस असेट्स तो इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी इज नॉट कमिंग इन टू एक्सिस्टेंस बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी इज कमिंग इन टू एक्सिस्टेंस बिकॉज वी आर एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी और वी आर गेटिंग मर्ज विद अ कंपनी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ अमागमेशन मर्जर एक्विजिशन कम्स ओवर द पार्ट रिलेटेड टू एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में

देखो अल्टरेशन का मतलब यहां पे होता है रेड्यूसिंग ठीक है अल्टरेशन का मतलब क्या होता है यहां पे यहां पे अल्टरेशन का मतलब होता है आपके शेयर कैपिटल को रेड्यूस करना जैसे पहले हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू थी टेन रुपीज अभी हम हमारे शेयर कैपिटल को रेड्यूस करके उसकी वैल्यू सिक्स रुपीज बना देंगे तो सिक्स रुपीज हो सकती है टू रुपीज हो सकती है तो ये जो पॉइंट है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इसमें कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट हमने अपडेट अभी देखा है उसका सेक्शन 61 जो है एंड सेक्शन 64 जो है दैट कवर्स दी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल तो इफ यू सी अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नथिंग बट रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल एंड दिस इज कवर्ड एज पर सेक्शन सिक्सटी वन एंड सिक्सटी फोर ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अगला मेथड देखेंगे सेकेंड जो मेथड है हमारा कॉम्प्रोमाइज या अरेजमेंट देखो कॉम्प्रोमाइज या अरेजमेंट मतलब ये लाइबिलिटीज से रिलेटेड होता है जो भी हमारे लाइबिलिटीज है जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है तो हम उनको क्या करेंगे कि आप अपने राइट्स को थोड़ा कम कर दो तो यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को अगर हमें पेमेंट करना है तो हम उनको कहेंगे कि हम कंपनी को रिड्राफ्ट कर रहे हैं हम आपको पेमेंट ट्वेंटी थाउजेंड का आप हमें डिस्काउंट दे दो तो वो लोग भी एग्री हो जाएंगे बिकॉज उनको एक साथ पेमेंट मिलेगा तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इंडिकेट्स दैट ओके फिर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट तो शेयर होल्डर्स की जो राइट्स होंगी वो भी उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं जैसे अगर हम देखें कि प्रेफरेंस प्रेफरेंस को हमें डिविडेंड कंपलसरी देना पड़ता है तो अगर हमने देखा कि इलेवन परसेंट प्रेफरेंस है तो हम उनको कहेंगे कि आपका जो इलेवन परसेंट प्रेफरेंसेस है उसे हम कन्वर्ट करते हैं नाइन परसेंट प्रेफरेंशेस में या टेन परसेंट प्रेफरेंसेस में दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स तो ये शेयर होल्डर्स राइट्स को हम चेंज करते हैं रहेंगे ठीक है और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो मैंने आपको अभी बताया अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इंडिकेट्स सेम तो ये सारे तरीकों से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे मेथड से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है कोई भी नया कंपनी फॉर्म नहीं होता है जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है वही एग्जिस्टिंग कंपनी के ही बैलेंस शीट को हम रीड्राफ्ट करते हैं ताकि ये बैलेंस शीट जो है ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर कंपनी का दिखा पाए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ध्यान से याद रखना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सी आर अभी मैं सी आर सी आर यूज करूंगा तो सी आर का मतलब यहाँ पे क्रेडिट नहीं है सीआर का मतलब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन है तो देखो अगर कैपिटल रिडक्शन की बात करें तो कैपिटल रिडक्शन एक टेम्पररी अकाउंट है जो हम सिर्फ इसी चैप्टर के लिए बनाते हैं और जो हम सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए ही बनाते हैं तो वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल रिडक्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन देअर एग्जिस्ट द डिफरेंस इन एनी काइंड ऑफ पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू पे वन लाख रुपीज टू अवर क्रेडिटर्स एंड वी वी टेल देम की यू विल बी पेड ओनली एटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड का डिस्काउंट है तो हमें एक लाख का पेमेंट करना है हमने एटी थाउजेंड का पेमेंट किया तो रिमेनिंग जो ट्वेंटी थाउजेंड है दैट इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी इसीलिए दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो वो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसको हम कैपिटल रिडक्शन बोलेंगे और जो ये कैपिटल रिडक्शन है ये जैसे हमारा पूरा आ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से हम पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है तो कैपिटल रिडक्शन में क्या होता है जो भी सैक्रिफाइस किया होता है हमारे डिबेंचर होल्डर्स ने हमारे क्रेडिटर्स ने हमारे शेयर होल्डर्स ने उनका जितना भी डिफरेंस अराइज होता है वो सारा डिफरेंस हम यहां पे ट्रांसफर करते हैं एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग दी कैपिटल रिडक्शन वी आर कैलकुलेटिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड वॉट एवर बैलेंस अराइज दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विच विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ओके और एक सिंपल रूल है जो मैंने आपको यहां पे दिया है जो आपको याद रखना है ताकि जिन स्टूडेंट्स को जर्रल एंट्रीज फ्रेम करने में प्रॉब्लम होता है या जर्नल एंट्रीज से डर लगता है उनके लिए ये बेसिक रूल है अगर आपको कहीं पे भी लॉस दिखा तो कैपिटल रिडक्शन हमेशा डेबिट होगा और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉफिट दिखा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा मैंने यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है अगर लॉस रहा तो डेबिटेड एंड वाइस वर्सा देन इट इज यहां पे क्रेडिटेड है ध्यान से इंपॉर्टेंट यहां पे आएगा क्रेडिटेड ठीक है अगर आपको प्रॉफिट आया तो हमारा प्रॉफिट आया तो क्या होगा प्रॉफिट आया तो हमको कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है और अगर लॉस आया तो हमें क्या करना है लॉस आया तो हमको कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना है तो यही आपको बेस लेके चलना है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं तो दीज आर द जनरल एंट्रीज विच आर रिलीवेंट टू द चैप्टर्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिज ऑल एंट्रीज विल बी कवर्ड स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सारे एंट्रीज दिए हैं तो आप ये पी को अभी डाउनलोड कर लेना आपके पास सेव कर सकते हो आप एंड सबसे पहला एंट्रीज है हमारा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल देखो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमें सिंपल एंट्री याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे हम ओल्ड की वैल्यू लिखेंगे फिर यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू लिखेंगे और व्हाट एवर डिफरेंस राइज दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की है कि कैपिटल रिडक्शन में वो ट्रांसफर हो जाएगा अगर हम एंट्री नंबर वन देखें तो एंट्री नंबर वन मैंने इक्विटी का किया है सिमिलरली एंट्री नंबर सेकेंड जो है दैट इज वो रिलेटेड विथ प्रेफरेंस तो यहाँ पे इक्विटी नाम निकालो प्रेफरेंस नाम लिखो एंट्री सेम हो जाएगा सेम कंसेप्ट है ओल्ड डेबिट हो जाएगा न्यू क्रेडिट हो जाएगा एंड वॉट एवर डिफरेंस अराइजेस दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन एन द थर्ड पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स को हम सेटल कर रहे हैं से फॉर एक्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट था वन लाख रुपीज तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को कहा डिवेंचर होल्डर्स हम आपको सिर्फ एटी थाउजेंड देंगे डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं ठीक है एट्टी थाउजेंड दे दो तो वन लाख डेबिट हुआ तो एट्टी थाउजेंड क्या हुआ क्रेडिट हो गया एट्टी थाउजेंड अगर क्रेडिट होता है तो कितना डिफरेंस बचा आपका ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड आपका कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा तो यही हमारा बेस है तो तीन एंट्रीज हमने यहाँ पे देखे अगले एंट्रीज में जाते हैं अगर हम क्रेडिटर्स को सेटल settle करेंगे सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स तो एंट्री क्या बनेगा देखो क्या होता है कभी कभी क्रेडिटर्स को हम कैश देते हैं तो बैंक आएगा इक्विटी शेयर्स देंगे तो इक्विटी शेयर्स आएगा डिबेंचर्स देंगे तो डिबेंचर्स आएगा तो ये सारे पॉइंट हमेशा एक एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे बट वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम इक्विटी वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम कैश और वेदर वी आर प्रोवाइडिंग देम डिबेंचर्स नेक्स्ट विल बी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द इसका मतलब होता है असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो याद रखना कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा रूल इज वेरी सिंपल अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होता है और एक ही रूल है इस चैप्टर का अगर आपको प्रॉफिट होगा तो काफी सिंपल कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा अगर आपको लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन हमेशा डेबिट होगा दिस इज द बेस ऑफ द टॉपिक तो इफ यू रिमेंबर दिस बेस दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बायट ऑल द एंट्रीज टू लर्न ऑल द एंट्रीज ठीक है अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट होता है इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे सिमिलरली अगर असेट्स की वैल्यू कम होगी तो दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन तो क्या करेंगे हम एंट्री कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और असेट्स के वैल्यू को क्रेडिट करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो लास्ट के तीन पॉइंट से ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है एवरी क्वेश्चन में ये एंट्री पूछा जाता है सिंपल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नेक्स्ट इज प्रेफरेंस डिविडेंट एरियर्स तो ये अगर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंट एरियर्स में है ऐसा एडजस्टमेंट रहा तो ही ये एंट्री हमको करना है एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कभी कभी हम कैश पेमेंट में डिविडेंड uh, को सेटल नहीं करते कभी हम इक्विटी शेयर्स देते हैं तो इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स में मैं आपको और क्लियर करवाऊंगा कि किस तरीके से इसका एंट्री होता है इफ एरियर्स इज का मतलब होता है कैंसल्ड ठीक है मतलब एरियर्स हमने पेड नहीं किया नॉट पेड कैंसल्ड हो गया एरियर्स अगर एरियर्स कैंसल्ड हो जाएगा तो हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करती है, करनी है ओनली इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर प्रेफरेंस डिविडेंट आप पे करोगे तो ही एंट्री होगी अगर प्रेफरेंस डिविडेंट पे नहीं करोगे तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नंबर नाइन पॉइंट देखते हैं फॉर असेट सोल्ड तो ये सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू अट्स अकाउंट अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा और दो तीन पॉइंट्स है वो भी लास्ट के दिखे देख लेंगे ठीक है अभी लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट राइटिंग ऑफ फिकटिश अट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज ये आपके हर क्वेश्चन में रहने वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं tick mark कर लेता हूं दिस विल बी इन यी क्वेश्चन बिकॉज हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ही है ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टू राइट ऑफ द फिक्टीशीशियस असेट्स को राइट ऑफ करना यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव

गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क्स ट्रेड मार्क्स उनको भी हमें राइट ऑफ करना ज़रूरी है सिंपल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट्स हमें राइट ऑफ करने हैं वो सारे लेंगे और ये सारे एंट्रीज होने के बाद लास्ट हमारा स्टेप है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये हम कैलकुलेट करेंगे जनरल एंट्रीज से ऐसे कैलकुलेट करेंगे जितने बार कैपिटल रिडक्शन का जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ होगा और जितने बार कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे जितने बार क्रेडिट हुआ है उसको हम ऐड करेंगे और जितने बार डेबिट हुआ है उसको हम लेस करेंगे मतलब जर्नल एंट्रीज आप चेक करोगे नंबर वन से लेके ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि जितने भी एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा उसे हम प्लस करते जाएंगे और जितने भी जर्नल एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ रहेगा उसको हम लेस करते जाएंगे और आफ्टर दैट वॉट एवर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंट्री विल बी वेरी सिंपल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व देर आर सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स विच रिलेट्स टू योर चैप्टर सो दिज आर द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस एडजस्टमेंट्स बाय एन एग्जाम्पल नंबर वन is share capital reduce so share capital reduce is one of the important adjustment in every question this adjustment will be asked second is appreciation and depreciation in the value of assets so this is a very important adjustment from your exam point of view which we have yet discussed in the previous session number third is writing of fictitious assets fictitious assets and accumulated losses is also an important part from your exam point of view because this will be an adjustment which will be asked in every question of internal reconstruction and number fourth is settlement of debentures so let us start the practical question directly so this is the question number 1 तो so, ये जो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें हमारे लाइबिलिटी साइड को चेक करना है सो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू जिसका टेन रूपीज अमाउंट इज फाइव लैक्स नाइन परसेंट प्रेफरेंशियर कैपिटल है हंड्रेड रुपीज जिसका फेस वैल्यू अमाउंट है सिक्स लैक्स वी हैव ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स इलेवन परसेंट बैंक में अगर हम ध्यान से देखें तो असेट साइड में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव गुडविल डेटर्स एंड वी हैव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ये दोनों के दोनों हमारे फिक्टीशेस असेट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है सो so, जब भी आपके सामने कोई भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चेक करना है कि फेस फेस वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस कितना है अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं ध्यान से चेक करना देखो फाइव लैक्स फेस वैल्यू है जिसका 10 तो सबसे पहले हमें क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है सो हाउ टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ शेयर्स क्या करना है हमें फाइव लैक्स को फेस वैल्यू से डिवाइड करना है फेस वैल्यू कितना था टेन रुपीज था तो फाइव लैक्स को अगर मैं टेन से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आएगा एक जीरो कम हो जाएगा दैट विल बी फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स सो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है फिफ्टी थाउजेंड सिमिलर कैलकुलेशन हमें प्रेफरेंस के लिए भी करना है प्रेफरेंस का कितना वैल्यू है सिक्स लैक्स है प्रेफरेंस वैल्यू इज सिक्स लैक्स और प्रेफरेंस का फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड है तो हमें दो जीरो कट करने हैं दैट मीन्स हमारा प्रेफरेंस के शेयर्स कितने आएंगे सिक्स थाउजेंड शेयर्स तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये दो चीजें बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपने ये दो चीजों में कैलकुलेशन सही कर लिया तो आपके जर्नल एंट्री इसकी जो अमाउंट होगी वो राइट होगी अदरवाइज आपका क्लरिकल एरर हो जाएगा और सिंपल तरीके से आपको जो फुल मार्क्स मिलने वाले थे उसमें आपको जीरो मार्क्स मिल जाएंगे सो लेट अस मूव वर्ड दी एडजस्टमेंट्स नाउ तो वी हैव दी एडजस्टमेंट्स मैंने जो आपको एडजस्टमेंट्स अभी दिए हैं ये सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं हम बेसिक से लेके एडवांस तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नंबर इक्विटी शेयर फ्रॉम रूपीज टेन टू रुपीज टू एच तो इक्विटी शेयर जो है दस रुपए से दो रुपया हो रहा है सिमिलरली प्रेफरेंस के बारे में भी यहां पे एडजस्टमेंट दिया है तो so, साइमल्टेनियसली एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करेंगे देखो इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू टेन से दो हुआ है तो so, मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूं किस तरीके से इसको हमें करना है देखो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू टेन है और ये टेन का वैल्यू कितना हुआ टेन का वैल्यू हुआ टू रुपीज अगर दस का वैल्यू दो रुपया होता है तो डिफरेंस कितना है डिफरेंस है हमारा एट रूपीज तो जो भी आपका डिफरेंस होगा हो, वो हमने प्रीवियस सेशन में, में डिस्कस कर लिया था कि जो भी आपका डिफरेंस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होगा वो पूरा का पूरा डिफरेंस कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडक्शन में तो वेरी वेरी सिंपल देखो टेन रुपीज फेस वैल्यू था दो रुपया बना तो कितने से रेड्यूज हुआ बाय रुपीज एट तो एट रुपीज से रेड्यूज हो रहा है तो इसको अभी हमें जर्नल एंट्री में प्रेजेंट करना है ध्यान से देखना हाउ टू प्रेजेंट मैंने ऑलरेडी यहां पर फॉर्मेट बनाया है तो इसी के बेसिस पे विल बी पासिंग सो एंट्री नंबर वन एंट्री नंबर वन हमारा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Equity share capital account and two capital reduction. I am writing the short form for capital reduction, it is CR. सो यू कैन राइट द फुल फॉर्म ऑल्सो कैपिटल रिडक्शन बट एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना है ये ध्यान रखना सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सी आर ये एंट्री फिक्स है इसको आप याद रखें और ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते आपको ये याद हो जाएगी अभी इसको हमें अमाउंट प्रेजेंट करना है देखो अभी अमाउंट कैसे प्रेजेंट करना है सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितनी अमाउंट दी है बैलेंस so, शीट के लाइबिलिटी साइड में हमें फाइव लैक्स दिया है तो हमें क्या करना है हमें यहां पे डेबिट साइड दिस इज अवर दिस इज अवर डेबिट साइड एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहां पे हमें फाइव लैक्स लिखना है आपको याद रखने के लिए ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखनी है मतलब जो भी अमाउंट आपके क्वेश्चन में दी है वही आपको यहाँ पे कॉपी करनी है सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू राइट सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फाइव लैक्स कहाँ से लिखा मैंने क्वेश्चन में जो अमाउंट थी वही हमने कॉपी कर ली अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कितने शेयर्स हमारे हैं फिफ्टी शेयर्स हमने कैलकुलेट किए थे अब ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहा है सो फेस वैल्यू टेन है टू रुपीज है टू तो रुपीस टू है और यहां पे डिफरेंस कितना है एट है तो एट हमारा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा सो मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या हो जाता है यहां की वहां अगर थोड़ी भी अमाउंट आपने लिख ली तो पूरा आपका मिस्टेक हो जाएगा सो so, कैसे करना है यहां पे मैं मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं देखो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू रुपीज टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू करेंगे कितना आएगा दैट विल बी वन लैक्स सिमिलरली अगर एक अमाउंट आपको मिल गई क्रेडिट साइड की तो दूसरी मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फाइव लैक्स में से वन लैक अगर आप माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना बचता है फोर लैक्स अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कैसे करेंगे फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एट रुपीज तो आपको आंसर आ जाएगा फोर लैक्स बट मैं चाहता हूं कि आप एक अमाउंट ढूंढ ले डिफरेंस बाकी का ढूंढ ले दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू तो इसका नरेशन क्या लिखना है अभी नरेशन एक का लिखेंगे बाकी का फिर आप उस बेसिस पे लिखना बीइंग रेड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम रुपीस टेन टू रुपीस टू फर्स्ट एंट्री सो यह फर्स्ट एंट्री आपके हर क्वेश्चन में आने वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के आई होप आपको यह एंट्री नंबर वन क्लियर होगा काफी इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिमिलर वे में हमको प्रेफरेंस की भी एंट्री करनी है अभी प्रेफरेंस के लिए एडजस्टमेंट देखते हैं देखो नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर टू बी रेड्यूस फ्रॉम रूपीज हंड्रेड टू रुपीज थर्टी तो क्या डिफरेंस है सिर्फ नाम का डिफरेंस और फेस वैल्यू का डिफरेंस है तो हमने यहां पे देखो प्रेफरेंस के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है सिक्स लैक्स ,00 को मैंने सौ से डिवाइड किया था तो हमें कितने शेयर मिले थे सिक्स थाउजेंड शेयर्स मिले थे तो अब ये नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर के लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे पहले एंट्री कर लेते हैं फिर आपको अमाउंट इजी तरीके से समझाता हूं एंट्री नंबर सेकेंड क्या होगा एंट्री नंबर सेकेंड परसेंटेज लिखना कंपलसरी नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओके सो ओनली द डिफरेंसेस, वी नीड टू चेंज द नेम हमको सिर्फ नाम यहां पे चेंज करना है इक्विटी शेयर के जगह पे मैंने क्या लिख दिया प्रेफरेंस लिख दिया अब आप क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस की अमाउंट कितनी दी है? दिया है। दिया तो अभी हमको सेम वैसा ही स्टेप फॉलो करना है यहां पे कॉपी करना है सिक्स लैक्स सिक्स लैक्स यहां पे लिखने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले ही कैलकुलेट करके रखें सिक्स तो थाउजेंड है यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी हंड्रेड थी कितनी हुई थर्टी हुई सो फेस वैल्यू कितनी थी हंड्रेड और कितना बना थर्टी बना तो यहां पे मैं लिख रहा हूँ फेस वैल्यू हंड्रेड और कितना बन गया थर्टी बन गया तो फेस वैल्यू हंड्रेड था थर्टी बना डिफरेंस कितना है सेवेंटी अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं देखो मल्टीप्लीकेशन सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्टी रुपीज तो सिक्स थाउजेंड इंटू थर्टी करेंगे कितना आता है आंसर वन लैख एटी थाउजेंड सो वन लैक एटी थाउजेंड आने के बाद अगला पॉइंट काफी सिंपल सिक्स लैक्स में से वन लैक एटी को अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलता है फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड दैट से ही आपको करना है अगर इतना प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू तो सॉल्व दिस क्वेश्चन सो so, ये दो एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं तीसरे एडजस्टमेंट में जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस का काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो आप ध्यान से सॉल्व करना बिकॉज इसमें एक ही चीज में रॉन्ग होता है वो है अमाउंट अगर आपका अमाउंट गलत हो गया तो आपको सीधा जीरो मार्क्स मिलेगा जनरल एंट्रीज में नंबर थर्ड 12% परसेंट डिवेंचर्स आर फुल्ली सेटल्ड बाई पेइंग रूपीज ट्वेल्व लैक्स तो मैं आपको सिंपल एक स्टेप बताता हूं जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने में प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए एक बेसिक पॉइंट है देखो ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स आर फुल्ली सेटल्ड तो जहां पे भी सेटल्ड वर्ड दिखेगा सेटल्ड या फिर पेड जहां पे भी सेटल्ड या पेड वर्ड दिखेगा वहां पे आपको याद रखना है बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा बैंक अकाउंट क्रेडिट इसीलिए होगा कि हमने उतना पेमेंट किया है सो यू यू माइट बी वेरी क्लियर विद द रूल दैट डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट इज गोइंग आउट कैश इसीलिए हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं तो सिंपल रूल याद रखना है कि सेटल्ड या पेड वर्ड आएगा तो बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा अब हम यहां पे देखते हैं कि 12% परसेंट डिवेंचर्स आर फुल्ली सेटल्ड बाई पेइंग रूपीज टू लैक्स तो ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स की अमाउंट क्वेश्चन में कितनी है पूरा का पूरा पॉइंट क्वेश्चन से ही रिलेट करने वाला है So, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है डायरेक्टली कैलकुलेशन में नहीं जाना है 12% परसेंट डिवेंचर्स कितना है 4 लैक्स है और हम उन्हें कितना पेमेंट करने वाले हैं 2 लैक्स पे करने वाले हैं। सो कंपनी लॉस में जा रहा है इसलिए कंपनी उनको कम पैसा दे रहा है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है तो आप बोलेंगे सर कंपनी के लिए तो ये प्रॉफिट दिख रहा है बिकॉज चार लाख देना था दो लाख हम दे रहे हैं तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है सामने वाले के लिए लॉस है हमें सामने वाले की तरफ से नहीं सोचना है हमें हमारी तरफ से सोचना है हम कौन है कंपनी है तो इसका मैं एंट्री कर रहा हूं काफी ईजी है देखो किस तरीके से इसका एंट्री होगा देखो ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स है फोर लैक्स तो अभी मैं एंट्री करूंगा देखो क्या होगा एंट्री इसका सिंपल एंट्री है ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बैंक क्यों लिखा मैंने बिकॉज सेटल्ड वर्ड है एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है 12% परसेंट डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी थी क्वेश्चन में 4 लैक्स थी तो मैंने क्वेश्चन की अमाउंट पहले लिख ली हमने उनको कितना पेमेंट किया हमने उनको पेमेंट किया टू लैक्स तो टू लैक्स यहां पे आया फोर लैक्स में से अगर आप टू लैक्स माइनस करोगे तो आपका कितना डिफरेंस बचता है टू लैक्स तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ सो दैट इज द सिंपल एंट्री ऑफ डिबेंचर्स अगर आपको कभी क्वेश्चन में डिबेंचर्स सेटल्ड बाई डिबेंचर्स आया तो बैंक के जगह पर हम डिबेंचर्स लिखेंगे वो भी हम अगले सेशन में कवर करेंगे फर्दर पॉइंट नंबर है इलेवन परसेंट बैंक लोन इज फुल्ली सेटल्ड बाई पे थ्री लैक्स आई थिंक अभी थर्ड पॉइंट से आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे भी एक वर्ड आया है फुल्ली सेटल्ड तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट याद आना चाहिए कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा सो इलेवन परसेंट कंपनी का बैंक लोन है जिसपे कंपनी इलेवन परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है एंड अमाउंट इज फोर लैक्स अभी देखते हैं इलेवन परसेंट बैंक लोन के लिए कितना पेमेंट हुआ इलेवन परसेंट बैंक लोन के लिए हमने थ्री लाख रुपीस का पेमेंट किया है तो चार लाख देना था तीन लाख दिया इसका मतलब एक लाख नहीं दिया दैट विल बी प्रॉफिट फॉर अस सिमिलर कैलकुलेशन यहां पे भी आएगा सो एंट्री नंबर फोर अभी मैं कर रहा हूं इलेवन परसेंट बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओके सो अमाउंट कैसे लिखे इलेवन परसेंट बैंक लोन के अमाउंट देखो क्वेश्चन में कितनी है फोर लैक्स है हम कितना पे कर रहे हैं थ्री लैक्स पे कर रहे हैं तो यहां पर फिर से सेम है यहां पर हम लिखेंगे फोर लैक्स बैंक में हम लिखेंगे थ्री लैक्स और सिमिलरली हमारा वन लैख का डिफरेंस आ गया दैट इज अवर प्रॉफिट तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट हो तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा दैट विल बी द सिंपल बेस यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं हमारे सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में एज अंडर सो का रिवैल्यूएशन है मतलब असेट्स जो है उसकी वैल्यू जो है चेंज हुई है असेट्स की वैल्यू चेंज हुई है जब भी असेट्स की वैल्यू चेंज होगी तब आपको सबसे पहले कंपैरिजन करना है फिर जर्नल एंट्री पास करना है ताकि हम कंबाइंड एंट्री पास कर सके देखो फर्स्ट फर्स्ट है लैंड लैंड एंड एंड बिल्डिंग बिल्डिंग की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में वैल्यू है 5 lakhs. तो यहां पे वैल्यू दिख रही है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट में में देखते हैं वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की नाइन लैक्स तो क्या दिख रहा है आपको इंक्रीज हुआ है इंक्रीज का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ असैट्स सिमिलरली डेटर्स के लिए देखते हैं टू लैक्स है एडजस्टमेंट में कितना है थ्री लैक्स तो यहाँ पे भी क्या हुआ है यहां पे भी इंक्रीज हुआ है तो दोनों के दोनों वैल्यू इंक्रीज हुए हैं अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज हुए तो हम कंबाइंड एंट्री पास कर सकेंगे अगर दो में से एक वैल्यू इंक्रीज दूसरा वैल्यू डिक्रीज होगा तो हम कंबाइंड एंट्री पास नहीं कर सकेंगे तो सिंपल एंट्री बताता हूं देखो जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा ये याद रखना है जब भी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा ये बेस है जिन स्टूडेंट्स को जर्ल एंट्रीज में प्रॉब्लम है तो ये बेसिक्स याद रखें आपको काफी इंटरेस्ट बना रहेगा जनरल एंट्रीज में और इसी तरीके से हम आगे के सेशंस को भी कंटिन्यू करने वाले हैं सो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कब होगा जब आपको प्रॉफिट होता है कैपिटल रिडक्शन डेबिट कब होगा जब आपको लॉस होता है अभी हम यहां पर एंट्री करेंगे एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमें क्या करना है हमें अमाउंट लिखना है अभी अमाउंट लिखने का तरीका क्वेश्चन में जाना है डिफरेंस देखना है लैंड एंड बिल्डिंग फाइव लैक्स था एडजस्टमेंट में नाइन लैक्स था तो फाइव लैक्स और नाइन लैक्स का डिफरेंस कितना है फाइव लैक्स और नाइन लैक्स का डिफरेंस है फोर लैक्स और डेटर्स कितना है टू लैक्स है एडजस्टमेंट में थ्री लैक्स है तो डिफरेंस कितना है वन लैख तो इसी बेसिस पे हम लोग यहां पर डिफरेंस लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग विल बी फोर लैक्स डेटर्स विल बी वन लैक्स एंड सिमिलरली इनका टोटल अगर आप करोगे चार लाख और एक लाख होता का एंट्री आपको क्लियर रहे, काफी इजी है और हर बार आएगा आपके पेपर में भी ये पूछा जाएगा तो आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपको अमाउंट में डिफरेंस देखना है और वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है नेक्स्ट हमारा लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था कि कंपनी लॉस में है तो उनके साइड में गुडविल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकते है तो उनको अभी हमें करना है। देखते हैं और प्रिलिमिनरी कौन से कौन से है। so, तो है। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ये हमारे फिक्टिशियस असेट्स है काल्पनिक अट्स जिसको हम बोल सकते हैं जो एक्चुअली असेट नहीं है चलो अभी इसको हम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री नंबर सिक्स में जा रहा हूं मैं एंट्री नंबर सिक्स क्या होगा सिंपल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पहले इंटेंजिबल ले रहा हूं टू गुडविल अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ठीक है दिस इज दी बोनस एंट्री इसके आपको मार्क्स फुल मिलेंगे आपको अभी सिर्फ अमाउंट यहां से कॉपी करने देखो अमाउंट यहां पे दिए हुए हैं तो गुडविल का सिक्स लैक्स है प्रिलिमिनरी का फोर लैक्स है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का थ्री लैक्स है तो गुडविल का अमाउंट में लिख रहा हूं पहले क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है गुडविल के लिए यहां पे आएगा सिक्स लैक्स प्रॉफिट एंड प्रिलिमिनरी का अमाउंट है फोर लैक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है थ्री लैक्स सो so, इनको ऐड करना है सिक्स लैक्स प्लस फोर लैक्स टेन लैक्स टेन लैक्स प्लस थ्री लैक्स थर्टीन लैक्स तो दिस विल बी थर्टीन लैक्स इट सो ऑल दी एंट्रीज वी हैव कवर्ड अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना एक लास्ट एंट्री है जो आपको लास्ट में करना है बिकॉज मैंने कल ही आपके साथ डिस्कशन किया था कि कैपिटल रिडक्शन जो है कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अभी इसको आपको कैलकुलेट करना है हाउ टू कैलकुलेट दिस वेरी वेरी इजी देखो कैपिटल रिडक्शन जितने बार आपको क्रेडिट दिखेगा वो प्लस करना है और कैपिटल रिडक्शन जितने बार डेबिट दिखेगा वो माइनस करना है किस तरीके से करना है बताता हूं देखो अगर हम चेक करें जर्ल एंट्री नंबर वन तो जरल एंट्री नंबर वन में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है फोर लैक्स तो ये फोर लैक्स को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे कैपिटल रिडक्शन सेकेंड एंट्री में क्या है फोर लैख ट्वेंटी क्रेडिट है तो इसको भी ऐड करेंगे थर्ड एंट्री में टू लैक्स क्रेडिट है तो इसको भी हम ऐड करेंगे तीनों को हम ऐड करेंगे फोर्थ एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन क्या है क्रेडिट है तो वन लैख इसे भी हम ऐड करेंगे फिफ्थ एंट्री में भी क्रेडिट है तो इसे भी हम ऐड करेंगे और सिक्सथ एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट है इसका मतलब ये जो डेबिट दिख रहा है आपको इसको हम क्या करेंगे इसको हम लेस करेंगे तो इतना करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपको लास्ट में लिखना है और ये जो लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड आई एम कैलकुलेटिंग नाउ दिस आंसर इज थ्री लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड स रिमेन्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन थाउजेंड अगर आपको जीरो बैलेंस आया तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगा इसलिए एंट्री करने से पहले आपको कैलकुलेशन करना है आई होप की आज के सेशन से आपको काफी सारे एडजस्टमेंट क्लियर हुए रहेंगे आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स uh, में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट